हेलो ब्रश, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। तो आज मैं आया हूँ BRST गोट फार्म में, जिनके ऑनर का नाम है दीपक भाई। मिलते हैं दीपक भाई से और बातचीत करते हैं कि आज किस टॉपिक पे अपन वीडियो बनाएंगे। नमस्कार दीपक भाई। नमस्कार। नमस्कार। तो आज हमारे यूज़ क्या दिखाने वाले? सिरोही, गुजरी, अजमेरी की बकरियाँ और सिरोही का ब्रीडर। अच्छा, तो अभी अपने पास जो सिरोही, गुजरी, अजमेरा और एक ब्रीडर है, तो ये जो अपने पास अवेलेबल है, तो किस हिसाब से मतलब सेल आउट करते हैं? 260 रुपये किलो बकरी है और ब्रीडर, ब्रीडर 350 रुपये किलो, ब्रीडर 350 रुपये किलो के हिसाब से आप सेल आउट करते हैं। तो अभी अपने पास कितने बकरी है, कितने बकरा है? 20 बकरी है और एक बकरा। 20 बकरी पे एक बकरा है। यानी कि किसी को फार्मिंग करना हो, किसी को स्टार्टअप करना हो फार्मिंग के लिए, तो उसके लिए मतलब कि आप जानकारी दीजिए कि 20 बकरी पे एक बकरा कितना चल जाता है? चल जाता है। अच्छा, चल सारी बकरी एक साथ प्रेग्नेंट नहीं होती, एक साथ बच्चे नहीं देती। अच्छा, तो अभी अपने पास जो भी बकरी है लोडेड है? हाँ, लोडेड है। अच्छा, तो ये जो बकरी है आपके मतलब कितने महीने की लोडेड होगी? 1 से 3 महीने तक। 1 से 3 महीने तक की लोडेड है, यानी कि बकरी के थ्रू ही है। अच्छा, और ये अपने पास जो कितने महीने की, कितने साल भर की होगी, कितने की होगी ये बकरियाँ? 14 महीने से लेके 22 महीने तक की बकरियाँ हैं। अच्छा, 14 महीने से लेके 22 तक किलो, 22 साल तक, 22 महीने की, 22 महीने तक की बकरियाँ हैं। तो ये भी गवार का भूसा भी डलता है। अच्छा, दिन का फीडिंग रेगुलर है, सुबह सुबह यही डलता है आपके पास? गवार का भूसा रहता है, हरी पत्ती रहती है। अच्छा, गवार का भूसा और हरी पत्ती आपके पास अवेलेबल रहती है, यानी सुबह सुबह यही डाइट दी जाती है। और इसको और डाइट में क्या दिया जाता है? अनाज दिया जाता है, बाजरा, अभी सर्दी चल रही है तो बाजरा दिया जाता है। तो ये भी कब दिया जाएगा इनको? दोपहर में दिया जाएगा, और सुबह सुबह इनको नॉर्मल डाइट दी जाती है। और जैसे कि आपके यहाँ मतलब कि खाने पीने की व्यवस्था के हिसाब से मतलब पानी कब इनको दिया जाता है? पानी तो 24 घंटा चालू रहता है। अच्छा, अभी पानी दे देंगे, एक खाने के बाद पानी, खाने के बाद पानी स्टार्ट हो जाएगा, फिर पानी पड़ा रहेगा, फिर पानी इसको जितना पीना पी ले। तो जैसे कोई फार्मिंग करना चाहता है तो उसको सबसे पहले किस से स्टार्टअप करना चाहिए? प्रेग्नेंट बकरी से करना चाहिए, यानी बिजनेस के प्रकार बहुत सारे हैं। अब वो किस कस्टमर कैसे करना चाहता है, कि कुर्बानी बकरा बनाना चाहता है कोई, तो कुर्बानी तो बकरे से करें, और खुद का प्रोडक्शन करना चाहता है तो प्रेग्नेंट बकरी से करें। जी बिल्कुल, ये बात तो सही है कि आपको किस टाइप से बिजनेस करना है उसका आपके ऊपर है। बाकी ये है कि आप प्रेग्नेंट बकरी शुरुआत करते हैं तो किस टाइप की प्रेग्नेंट बकरी लेनी चाहिए? ऐसी लंबी चौड़ी प्रेग्नेंट बकरी लेनी चाहिए, ये जो खा रही है बीच में, किस टाइप की लंबी चौड़ी बकरी ले तो उसका वेट आएगा, वजन बहुत आएगा, लेकिन नस्लें भी ऐसी मिलती है। तो ये जो लंबी चौड़ी बकरी है, ये लंबी चौड़ी है जो खा रही है, वो लंबी चौड़ी है, इसका रेट अलग होता है कि? रेट तो यही रहता है, लेकिन वेट बहुत होता है, यानी वजन ज्यादा होता है। अभी ये 50 किलो की बकरी है, वो जाएगी 80 के आसपास। हाँ, वो जो लंबी बकरी, काफी लंबी चौड़ी बकरी है, मतलब कि हाईलैंड उससे भी बड़ी बकरी है, देख लो ये। हाँ, इससे भी बड़ी है, यानी कि ये जो बकरी रहती है इसका वजन कितना जाएगा? 90 के पार जाएगी, यानी कि बहुत शानदार बकरी है। और ये ब्रीडर का वजन भी सेम बराबर ही है? हाँ, ब्रीडर का वजन भी सेम बराबर है, 90 के पार 90-100 के आसपास ही जाएगा। अच्छा, यानी कि लंबी चौड़ी बकरी है, लंबा चौड़ा बकरा, उसका ये भी चार दांत पे बकरा है। अच्छा, यानी कि जो आपके पास चार दांती बकरा है, ये बकरी कितने दांत होगी? बकरी भी चार दांत छह दांत होगी। अच्छा, चार दांत छह दांत है, यानी कि जो आपके पास सप्लाई जो भी रहता है, मतलब क्वालिटी में भी रहता है, आप जैसा मांगोगे वैसा मिल जाएगा आपको। आप बोलोगे मुझे 50 किलो के आसपास की बकरी चाहिए, 50 किलो? हाँ बिल्कुल, देखो एक जैसे कि 50 किलो की है रही, ठीक है, अभी 50 किलो की है, और ये कितने किलो की होगी? 60 की जाएगी, वो 80-90 आएगी, वो वाली भी बड़ी है, 90 पार जाएगी। यानी कि आपको क्वालिटी क्या चाहिए वो आपको बताना पड़ेगा, और कम वाली भी है आपके पास, जैसे कि कम वाली भी, कम वजन की भी होती है, 45 किलो वाली भी है आपके, 45 के आसपास भी होगी। ये कितने वजन की होगी? 45-40 किलो। अच्छा, ये बीच में खा रही हो, ये कितने वजन की होगी? ये जाएगी 50 के आसपास। और सफ़ेद वाली? सफ़ेद वाली जो 60 के ऊपर है, 60 के ऊपर, यानी कि आपके पास हर एक ये भी 60 के ऊपर है। अच्छा, यानी हर एक क्वालिटी का, हर एक आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से माल आपको अवेलेबल करवा देंगे, अपना बजट के हिसाब से। कहने मतलब आपके कहने का मतलब ऐसी लंबी चौड़ी बकरी लेके जाने में फायदा है इस टाइप की। तो मान लीजिए किसी के पास अगर 20 का बजट है तो ऐसी बकरी लेके जाए, 10 लेके जाए, लेकिन अच्छी ऐसी लेके जाए, हाइट लेंथ। और इसका दूध कितना होगा? दूध 200 से 1.5 लीटर तक दूध देते हैं। अच्छा, बकरियाँ सिरोही,
ये लगता है, लेकिन ये वाली नजदीक की गाभिन लग रही है क्योंकि उसका दूध अभी बंद हो चुका है। अब दूध दोनों का बंद है, दोनों का बंद हो चुका है ना। ये नजदीक की गाभिन लग रही है अभी। अच्छा, तो एक मतलब कितने बच्चे देगी? बच्चे तो दो ही देगी, बच्चे दो ही देती है, बच्चे दो ही देती है। अच्छा, लेकिन उसके इसके बच्चे में काफी फर्क पड़ जाता होगा ना। हाँ, फर्क पड़ जाता है ना, क्वालिटी में फर्क पड़ जाता है। अच्छा, अब 40-45 किलो की बकरी लेके जाओगे, वो बच्चा देगी तो वो 3.5 किलो 3.5 किलो का होगा। अच्छा, उसका बच्चा 5 किलो का होगा। अच्छा, तो ये जो अपने पास क्वालिटी वाले जो इसमें बच्चे निकलते हैं, तो इसके जो वजन में मतलब कि नस्ल में कोई फर्क पड़ता है क्या? मतलब कि जैसे हीरो लेके जाने में गुजरी है, आज मेरा है। नहीं नहीं, तीनों के बच्चे तो सेम वजन वेट गेन सेम ही करता है। अच्छा, लेकिन माँ बाप के फर्क पड़ता है। यानी कि लंबी चौड़ी है तो उसका वेट गेन ज्यादा रहेगा। अच्छा, यानी ऐसी लंबी चौड़ी बकरी हो तो उसका वेट गेन भी उस हिसाब से निकलता है। तो ये जो नस्ल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, नस्ल चाहे कोई भी हो लेकिन हाइट लेंथ वाली हो तो उससे काफी फर्क होता है ना। मतलब कि आपके पास जो नस्ल है वो नस्ल कोई भी हो उसके हिसाब से फर्क, कोई भी मतलब कि हाइट लेंथ हो, कोई भी नस्ल हो, फर्क तो हाइट लेंथ पे पड़ता है। हाइट लेंथ का ही फर्क पड़ता है। हाँ, यानी कि नस्ल की हाइट नस्ल के नाम से कोई मतलब नहीं है। हाइट लेंथ वाली बकरी आपके पास बकरी है, बकरा हाइट लेंथ वाला क्रॉसिंग करवा रहे हो तो आपको प्रोडक्शन भी ऐसा ही मिलेगा ना। हाँ, मैं बस वही कहना चाह रहा हूँ कि नस्ल का है, अपन अजमेरा ले चाहे गुजरी ले चाहे सिरोही ले चाहे बीटल ले कोई भी ले, लेकिन उसकी अगर हाइट लेंथ है तो उसके बच्चों में भी हाइट लेंथ आएगी। हाइट लेंथ आएगी। अच्छा, और जैसे कि कोई नया स्टार्टअप करना चाहता है बकरा फार्मिंग का, तो उसको अगर यहाँ से लेके जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ट्रांसपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। और माल सिरोही गुजरी अजमेरी आप कहीं भी पाल लो, हफ्ते 10 दिन में आपको सेट हो ही जाती है। अच्छा, और ये वैक्सीन किया हुआ रहता है माल? हाँ, वैक्सीन एंटीबायोटिक लगा रहता है। अच्छा, और कली माला है और कली एंटीबायोटिक लग गया है। अच्छा, और पीपीआर एफएमडी ईटी जो रहता है वो तो प्रेग्नेंट की बात ही प्रेगनेंसी के बाद ही लगाना पड़ेगा। अच्छा, मतलब चालू प्रेग्नेंट पे नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते। यानी इसमें कुछ छोटे बच्चे को लगाया होगा? हाँ, छोटा बच्चे को वहाँ एंटीबायोटिक पहले लग गया है। अच्छा, अभी और उसको पीपीआर वगैरह भी उसको तो लग जाएगा अभी? हाँ, पीपीआर लग जाएगा। अच्छा, तो ये जो आपके ट्रांसपोर्ट में मतलब कि गाभिन बकरी होती है तो कितने महीने तक की लोडेड बकरी की ट्रांसपोर्ट कराना? 3 महीने तक की आपको, 3-3.5 महीने तक की आपको प्रेग्नेंट बकरी ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं। अच्छा, उससे ज़्यादा क्यों तो नुकसान? उससे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट बच्चा गिराने की शिक्यता रहती है। अच्छा अच्छा, तो ये भी आपकी बहुत अच्छी जानकारी है। मतलब कि कोई भी लेके जाना चाहता है तो उसके लिए आपको एक टाइम पीरियड भी देखना पड़ता है उसके बाद, तो और चलाने वाला भी डिपेंड करता है। तो इसमें भी बहुत सारी ट्रांसपोर्ट सुविधा होती होगी, जैसे बकरा बॉडी भी किस कहते हैं लोग, बकरा बॉडी अलग आती है? हाँ, बकरा बॉडी वाली गाड़ी अलग रहती है। अच्छा, उसकी स्पीड भी अलग रहती है। तो बकरा जैसे मान लो बोलेरो पिकअप है, सब्जी में चलता है वो, तो जैसे कि बोलते हैं कि यहाँ से राजस्थान से अजमेर से कोई लेता है तो ट्रांसपोर्ट की सुविधा में जैसे ट्रांसपोर्ट का रेट ज़्यादा पड़ता था उनको? हाँ, तो वो बकरे गाड़ी लेके जाएगा तो उसको ट्रांसपोर्ट में फर्क आएगा। अच्छा, यानी वहाँ की जो लोकल ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो तो सिर्फ सभी में चल रही है? हाँ, वो सभी में चल रहा है, वो स्पीड से चल रहा है और ये स्पीड से नहीं चलता है। एन दो पैसा बचाने चक्कर में अपना नुकसान क्यों कराना? बकरा जरा भी आवाज़ करेगा आपको पता नहीं चलेगा, आपको पास में बैठे हो तो, लेकिन बकरा लेके जो चल रहा है ना उसको पता रहता है। सही बात है। तो इसका गाड़ी का ट्रांसपोर्ट का रेट कितना रहता होगा? यहाँ 14 रुपये किलोमीटर है बोलेरो पिकअप, और बॉर्डर टैक्स, टोल टैक्स, ये सब कुछ कस्टमर का रहता है। सब कस्टमर का रहता है। अच्छा, यानी कि वो तो सिर्फ गाड़ी की बात हो, सब कुछ उसके ऊपर डालना चाहते हो तो 18 रुपये किलोमीटर पे आता है वो, तो उसकी ट्रांसपोर्ट वाले से बात करके होता है वो सिस्टम तो। और बड़ी गाड़ी में तो फिक्स भाड़ा कोई रहता नहीं? फिक्स नहीं, बड़ी गाड़ी में तो जो गाड़ी उस टाइम पे गाड़ी वाला जो बोला वो फाइनल होता है। अच्छा, यानी कि वो किलोमीटर पे नहीं आता, वो सिर्फ डायरेक्ट बताता था कि अभी इतना, भाई 1,10,000 लूँगा, 50,000 लूँगा, 60,000 लूँगा। अच्छा अच्छा, यानी कि वो तो डायरेक्ट मुखित होता है। बहुत अच्छी बात बताई। तो जैसे कि आपके पास कोई लेना चाहता है तो उसके लिए संपर्क करने का तरीका? मेरा मोबाइल नंबर 9664072450, ये मेरा मोबाइल नंबर भी है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यही है और व्हाट्सअप नंबर भी यही है। अच्छा, और आप हमारा फार्म अजमेर में है, रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर दूरी पे है और जनाना हॉस्पिटल से 2 किलोमीटर दूरी पे। अच्छा, तो रोड पे फार्म है हमारा। अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड आपका रजिस्टर्ड है कंप्लीट? हाँ, प्राइवेट लिमिटेड कंप्लीट है, रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है। अच्छा, और कोई बिलिटी रहते है ट्रांसपोर्ट की रहती है साथ में आप? हाँ, सर्टिफिकेट के साथ में भेजते हैं? हाँ, हमारा बिल कंप्लीट रहता है ना। अच्छा, यानी कि ट्रांसपोर्ट में कोई दिक्कत ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो, बहुत अच्छी बात होता है। तो ये थी कुछ जानकारी बीएसटी गोट फार्म के ओनर के बारे में।
दीपक भाई के बारे में। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आप तक अपनी जानकारी ऐसी पहुंचती रहेगी। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस टॉपिक वीडियो देखना चाहते हैं। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।